तमाम लोग हैं जो देश के विपरीत जाकर भैया देश को में लड़ाने का, दंगा फैलाने का, हिंदू मुस्लिम कराने का, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का नाम के नाम पर जो है जातीय उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है। आप मजदूर की बात की, आपके ऊपर एनएसए लग गया। मैं जेल में था, मदुरई जेल में था मैं जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था, मैं बहुत सारा अखबार पढ़ता था, जितना भी इंग्लिश अखबार आता था, हिंदी तो आता नहीं था, जितना भी इंग्लिश अखबार, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल और भी बहुत सारा अखबार था, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पढ़ता था, तो बिहार का खबर देता था। उस बीच में बिहार में बहुत सारा दंगा हुआ, बेगूसराय में हुआ और भी बहुत सारे जगह पे, उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया जो दंगा किया बिहार में? मेरे वीडियो की वजह से तो बिहार में कभी दंगा नहीं हुआ, मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तो ये नेता जो है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसा करते रहते हैं, और जो देखते हैं कि देखिए समस्या क्या है। एक और सवाल है इसमें कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक अंतिम सवाल कि आप जब तक बिहार में थे भैया तब तक कोई जो है आपके ऊपर एकदम नॉर्मल धारा थे, लेकिन जैसे ही आप तमिलनाडु पहुंचे सारा एनएसए तनसे वहीं से लगा, वो भी तमिलनाडु से। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं था, मेरे बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट जानता भी नहीं था, यहां से जो आदेश हुआ वो वहां पे पालन हुआ जी, बस इतना ही कहूंगा। और बाकी सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, और मेरे ऊपर ये लोग केस करते रहे कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है, ये लोग मुझे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, बस इतना ही जानता हूं मैं, कुछ नहीं। और मेरा भाषा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मनीष का सब डर जाएगा, ये सब वो सब ऐसा वैसा, ये देश को नोच के खाने वाले लोगों के लिए हम लोग सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। अरे आई लोग असभ्य तरीके से जो है बिहार को लूटते रहे, और उसके लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी का मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार के तर्कस में अनेकों तीर होता है जो पत्रकारिता को कभी भी दबा सकता है। मेरे बुक मैं जेल में वो किताब पढ़ा, और हरिशंकर परसाई एक राइटर है, उनका मैं किताब पढ़ रहा था, भीगता हुआ स्वतंत्रता और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब वो किताब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें एक्चुअल मायने पता चलेगा कि पत्रकारिता को कैसे दबाया जाता है, और आज़ादी का मकसद मतलब क्या है, और गणतंत्र का मतलब क्या है। तो मैं बोलूँगा जितने भी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, कभी समय मिले तो कुछ कुछ किताबें पढ़िए ऐसे ऐसे महापुरुषों का। अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उन्होंने किताब लिखा कि वो जब पत्रकारिता कर रहे थे पंचजन में, और एक और राष्ट्र धर्म शायद से दो पेपर था उस समय जब आज़ाद भारत हुआ था उस समय करते थे, तो उनको जो है दबाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को दबाया गया और उन्हें मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी जाके कुछ किताबें पढ़िए और देखिए कि हम हमारे इतिहास में जो है कुछ लोगों ने किस प्रकार से हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार किया है, शायद आज भी वही काम हो रहा है। चलिए मनीष जी थे जेल से निकलने के बाद, ये लोग हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे थे, उस 10 महीने की बातों को इस 10 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए मित्रों कि जो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप जी डर गए हैं, सहम गए हैं, आंख खोलिए और आंख के ऊपर से ऐनक हटाकर देखिए, मनीष कश्यप जी उसी फितरत, उसी जोश, उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ आज भी बिहार की इन सड़कों पर जब निकले हैं तो बिहार की सड़कें बोल रही है कि हमें मनीष कश्यप की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर सच में किसी ने बिहार के लिए लड़ाई लड़ी और बिहार में लड़ाई लड़ने का आगाज किया पत्रकारिता के माध्यम से, वो मनीष कश्यप थे। और इनको देख देख कर हम जैसे युवा जो है माइक लेकर जब रोड पर उतरे तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दिया कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज मनीष कश्यप जी एक बार फिर से बिहार के लोगों के बीच में, बिहार के जनता के बीच में जाति पात धर्म मजहब भेदभाव से ऊपर उठकर फिर से लड़ाई लड़ने का काम शुरू करेंगे, और जेल से निकलकर इस वक्त जो है दशरथ मांझी के यहां जा रहे हैं, जो माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, अपनी मां से मिलने से पहले दशरथ मांझी जी के यहां जा रहे हैं। और ये जो जज्बा है इसको सलाम है, क्योंकि जिस प्रकार से 9 महीना कोई जेल में रहे, 9 दिन कोई जेल में रह जाता है तो उसका हौसला जुनून सबको टूट जाता है, लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी 9 महीना 10 महीना बाद भी जेल से निकलने के बाद उसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताता है, ये दर्शाता है कि बिहार में एक नए युग की क्रांति की शुरुआत है, और उस क्रांति का नाम मनीष कश्यप हो सकता है, क्योंकि जिस जज्बे के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से मैंने बेउर जेल के सामने लाखों लोगों की भीड़ देखी, हजारों लोगों की भीड़ देखी, उस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, और आज की सुबह की पहली किरण जो थी वो ऐतिहासिक किरण थी, और ये ऐतिहासिक किरण इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगी। ये ऐतिहासिक मर्तबा था जब किसी पत्रकार के लिए इतनी लोग जो है जेल के बाहर खड़े होकर 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे, और अंततः सबके इंतजार की घड़ियों का जो अंत था वो उसका अंत हुआ। बाकी मनीष जी थे, हम लोग इस तमाम विषयों पर बात कर रहे थे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इनके जो 9 महीने का संघर्ष था वो हम इस शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आप लोग तमाम लोग इन लोगों का सहयोग कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों, जय हिंद।